मित्रों कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिसमें हम रोज़ लड़ते झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है, यानी अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो आज हम एच नाम वाले लोगों के वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप एच नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके स्वभाव की संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। एच नाम वाले लोग जो होते हैं इनमें गहरी भावनाएं छुपी होती हैं। इनका व्यक्तित्व गहरी भावनाओं और अंतर्ज्ञान का शासन करने वाला होता है। आप भावनात्मक सुरक्षा भी चाहते हैं। दूसरों के साथ रिश्ते बनाने से पहले ईमानदारी बहुत आपके लिए आवश्यक होती है और अपने साथी से भी ईमानदारी की इच्छा रखते हैं। आपका मिजाज बहुत तेजी से बदलता रहता है। आप एक ही समय में भावुक भी हो सकते हैं और फिर कुछ ही देर में आपका स्वभाव जिद्दी भी हो सकता है। कभी आप आज्ञाकारी दिखेंगे तो कभी आप क्रोधी हो जाएंगे। कहना चाहिए कि अस्थिर मन वाले होते हैं, अपनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बुरे समय में अपनों का आप ख्याल रखते हैं। आपके लिए आपका परिवार और आपके मित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोमल हृदय वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी, एक अच्छे माता पिता होते हैं। साथ ही आप एक सख्त अनुशासक भी हैं। आप बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत कोमल हृदय होता है आपका। मीठा बोलने वाले होते हैं, सहज स्वभाव के होते हैं, अपने रिश्तों के प्रति भी वफादार रहते हैं। आप विश्वास बनाने में समय लेते हैं लेकिन एक बार जब आपका विश्वास किसी पर बन जाता है तो आप उसे फिर ताउम्र यानी जीवन भर बनाए रखते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी से निभाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्य करते हैं। आपकी कुछ पुरानी बातें आपके दिल को परेशान कर सकती हैं। आप भावनात्मक रूप से उन बातों को लेकर घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आप न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि दूसरों की ज़रूरतों के प्रति भी बहुत ही संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव होता है आपका। आप गहरे सहज और ज्ञानयुक्त हैं, अद्भुत कल्पनाशील शक्तियों के अधिकारी हैं। अगर कुछ बुरा होने वाला हो, भले ही आपको उसका कारण पता ना हो, आपको बहुत जल्दी पहले ही पता चल जाता है। आप अपनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने प्रेम में निस्वार्थ हैं और तब तक सब कुछ देते रहते हैं जब तक आपके पास कुछ भी बचा रहता है। इससे आपको कई बार परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है और आप खुद पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आप अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, अपने साथी पर बहुत ध्यान देते हैं और आप अपने साथी से भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपका साथी भी आपकी भावनाओं को कद्र करे और अपनी भावनाएं भी खुलकर आपके सामने जाहिर करे। प्रेम और संबंध में देखभाल करने वाले हैं। आप हमेशा ऐसा साथी के साथ रहने की कोशिश करते हैं जो आपकी भावनाओं और भावनाओं को पूरी तरह से समझ सके और आपसे सहानुभूति भी रख सके। प्रेम के मामले में आप काफ़ी परवाह करने वाले होते हैं और जितना प्रेम आप अपने साथी से करते हैं बदले में उतना ही प्रेम चाहते हों, चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो। लेकिन प्रेम संबंध आपके लिए काफ़ी मायने रखता है और पलभर में ही आप पूरी ज़िंदगी अपने साथी के साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। आप अपने प्रेम संबंध में कभी कभी कई बार बहुत कठोर कदम भी उठा लेते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी सौम्य होते हैं। एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत बहुत ही प्यारी होने वाली है। प्रेम संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल आपका परिवार आपके प्रेम प्रस्ताव को मंजूरी भी दे सकता है।
अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, इस वर्ष आपको वहां पर सफलता मिल सकती है। वर्ष की शुरुआत में आप खुद को बहुत ही रोमांचित महसूस करेंगे, प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी, आपके और आपके साथी के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का विचार कर सकते हैं और जा सकते हैं, वहाँ पर प्रेम संबंध में एक नए प्रकार की मजबूती का एहसास होगा आपको। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए इस साल आप देखें, अगर किसी साथी की तलाश में हैं या फिर किसी से मित्रवत संबंध हैं आपके, उनको आप प्रेम संबंध में बदलना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप प्रस्ताव दे सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। 15 मई तक का समय प्रेम संबंध के मामले में काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाने वाला है और 15 मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर रोमांस ज़्यादा होगा, मुलाकातें भी होंगी, समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस कर सकते हैं और उस कारण फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि 15 मई तक का समय प्रेम संबंध में जितने अच्छे परिणाम दिखाएगा, 15 मई के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर संघर्ष भी हो सकता है। इसलिए आप अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें और साथी से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना होने दें तो अच्छा रहेगा। हालांकि वर्ष 2025 में रोमांटिक रिश्तों में बेहतरी आएगी, आप अपने रिश्ते को महत्व भी बहुत देंगे और एक दूसरे के साथ में अपनी भावनाओं का खुलकर जिक्र भी करेंगे और आपके रोमांटिक जीवन में चीज़ें बेहतर होने की पूरी संभावना वर्ष 2025 में है। आपका प्रेम संबंध आगे बढ़ेगा, प्रेम जीवन आगे बढ़ेगा और खुलकर आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। और अगर हम देखें तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का जो समय है वहाँ पर भी प्रेम संबंध में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी ये जो दो समय हैं, एक तो 15 मई तक का समय और दूसरा 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय, ये दो समय प्रेम संबंध में काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रेम जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और बाकी जो समय रहेगा वहाँ पर आपको अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको अपने साथी के साथ वर्ष की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। अगर आपने अपने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी की, खासकर 30 मार्च तक का समय ऐसा ही होगा, तो आप देखेंगे आपके साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद हो जाएंगे और वहाँ पर आपके साथी के साथ आपके मतभेद और तकरार बढ़ जाएगी। इसलिए आपको सावधानी रखनी है, खासकर 30 मार्च तक के समय में आप अपने जीवन साथी से उसके घर वालों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बातें ना कहें जो कि उसको अच्छी ना लगें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और मार्च के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम दिखाएगा, जो भी नकारात्मक बातें हैं वो दूर हो जाएंगी, जीवन साथी के साथ अगर कोई भी कड़वाहट है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका जीवन साथी आपको पूरा सहयोग देगा, संबंध भी अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। मार्च के समय तक आपको ध्यान रखकर चलना है, इस समय कोई मनमुटाव ना हो, आप दोनों के बीच बेवजह के झगड़े तनाव और कलह ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और कोई भी वाद विवाद को तीसरे व्यक्ति के पास ना ले जाएं, आपस में सुलझाने का प्रयास करें, आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो समय आपका 30 मार्च के बाद का रहेगा वो आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रहे हैं, वर्ष 2025 में वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और वैवाहिक संबंध में भी अगर पूरे वर्ष में सबसे बेहतर कोई समय है आपका समझौता करने के लिए, अगर कोई वाद विवाद ज़्यादा चल रहा है आपके जीवन साथी के साथ, तो उसमें 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय जो है वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी मनमुटाव आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ये समय आप याद रख कर चलें, वैवाहिक संबंध में कुल मिलाकर वर्ष अच्छा ही रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में मजबूती दिखाएंगे, आपसी वाद विवाद नहीं ज़्यादा बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहाँ पर
मार्च तक के समय में परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन विवाह से अलग संबंध नहीं होने चाहिए, वरना आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। लेकिन मार्च के बाद का जो समय आएगा, वहां पर आप देखेंगे कि अगर विवाह से अलग कोई संबंध है तो वहां पर वाद विवाद होंगे और आपके जीवन साथी के साथ भी उस कारण फिर उस समय में जो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे और तनाव देखने को मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन फिर आपका अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें, सबसे बेहतर उपाय आपके लिए है कि आप मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से कोई भी एक पाठ कर लें। मंदिर जाकर बजरंगबली के सामने करें, बहुत अच्छा है। घर पर अपने मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। ये उपाय आप करें, पूरे साल करें, निश्चित ही आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।